फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम। आज हम हिस्ट्री पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत के हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हमने पढ़ा अभी पहले क्वेश्चन में, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और जो आर्य समाज था उसकी स्थापना 1875 में हुई थी और स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर, जो पहला आंदोलन जो था वो ब्रह्म समाज था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कहता है, लेकिन अनुच्छेद 52 जो है वो राष्ट्रपति के पद को बताता है, अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति के पद की अवधि को बताता है, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद को बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में आपातकालीन उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो आपातकालीन उद्घोषणा 1976 में जब हुई थी तब फखरुद्दीन अली अहमद जी थे उस समय भारत के राष्ट्रपति। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी। अली अहमद का कार्यकाल है 1974 से 1977। और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, इनका कार्यकाल 1966 से 77 तक था। तो इस बीच आपातकालीन 1976 की आपातकालीन उद्घोषणा हुई थी। तो अगर इस सन में पूछते हैं कि राष्ट्रपति कौन था तो फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री की बात है तो इंदिरा गांधी। ज्ञानी जेल सिंह नहीं थे क्योंकि इनका कार्यकाल 82 से 87 था। और नीलम संजीव रेड्डी जो थे इनका कार्यकाल, ये भी नहीं थे। तो इनका कार्यकाल 1977 से 82 तक था। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको हिंदी में देशी प्रेस अधिनियम बोला जाता है। तो ये जो निरस्त किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था 1882 में। अब ये निरस्त तो 1882 में हो गया था, लेकिन ये लाया कब गया था? तो ये लाया गया था 1878 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में। इस एक्ट में देशी प्रेस को स्वतंत्रता नहीं थी, इसमें देशी जो अखबार थे उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, इसलिए इसका विरोध किया गया और इसको बाद में रद्द कर दिया गया। और किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो बंदरगाह शहर जो था वो लोथल था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा नहीं था, कालीबंगा नहीं था और धोलावीरा भी नहीं था, लोथल ही बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तो विदस्ता जो है वो झेलम नदी का नाम है, अस्किनी जो है वो चिनाब नदी का नाम है, और शतुद्री जो है वो सतलज नदी का नाम है, पुरुषनी रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। विजय लक्ष्मी पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी
1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है, 1949। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था भारत का, वो 26 नवंबर को हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को ही हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 26 नवंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका आंसर होगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, यानी कि K.M. मुंशी। इनको K.M. मुंशी भी बोला जाता है। इनका पूरा नाम कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी है और इन्हीं ने ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग जो था वो बना था 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था और तभी निर्धारित किया गया था कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और पहले उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए उनके योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 13 अगस्त 2014 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। और ये किसने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में आता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो नरेंद्र मोदी, लेकिन अगर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, लेकिन प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंतिम वायसराय थे, लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल थे वो स्वतंत्र भारत के थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर नॉर्मल पूछ रहे हैं तो विलियम बेंटिक है, और स्वतंत्र भारत का पूछ रहे हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो और लॉर्ड कर्जन भी वायसराय रहे हैं 1899 से 1905 तक। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो रहे हैं वो विलियम बेंटिक हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। तो विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज जो थे वो भारत आए थे और बिंदुसार के समय डाइमेकस आए थे, ये सीरिया के थे। हर्षवर्धन के समय में वेन सांग आए थे, चीनी बौद्ध यात्री थे। फाहियान भी चीनी बौद्ध यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। मौर्य के एक बार फिर से बोल देती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आए थे जो यूनानी थे। बिंदुसार के समय में जो विदेशी यात्री थे वो थे डाइमेकस जो सीरिया से थे, और हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन सांग थे जो चीनी बौद्ध यात्री ही फाहियान थे। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद। तो इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ये सिखों के छठवें गुरु थे, सिक्स्थ गुरु थे। ये इनके पिता का नाम अर्जुन देव था जो सिखों के पांचवें गुरु थे। तो गुरु हरगोविंद इसका राइट आंसर होगा। गुरु नानक जो थे वो फर्स्ट थे और गुरु गोविंद जो थे वो दसवें गुरु थे।
दसवें और अंतिम गुरु थे। तो सिख गुरु ने में जो जिसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है तो वो है गुरु हरगोविंद सिंह। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती, ये कथन किसका था? तो ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का था, उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती। ये एक मोटिवेशनल थॉट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक मोटिवेशनल थॉट के रूप में याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में लिखे थे? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में लिखे थे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और इसी में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। तो ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे। सेकंड अजीतनाथ थे, ये सेकंड थे। और संभव जी जो थे वो थर्ड थे। और महावीर, स्वामी महावीर, ये 24वें तीर्थंकर थे। तो प्रथम जैन तीर्थंकर तो ऋषभदेव है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था और इसमें विजय हुई थी अकबर की। और 1556 में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसको जो डिज़ाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। तो 22 जुलाई को इसको अपनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शासक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? फ्रेंड्स, इंग्लैंड की बात हो रही है तो इंग्लैंड में अकबर के समय में ही स्थापित की गई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो था वो प्रथम आक्रमणकारी था। तो ये तो आक्रमण किया था और महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया था। बाबर ने शासन किया था लेकिन उससे पहले मोहम्मद गौरी ने शासन किया था। तो प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गौरी था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? फ्रेंड्स, नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी और इनका मूल नाम जो था वो मेहरुन्निसा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 7 सदस्य भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में थे। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में भारतीय संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? तो 1967 जो था वो 21st अमेंडमेंट था और उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 में 71st अमेंडमेंट यानी 71वां संशोधन जो हुआ था उसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। और 2003 में 92nd अमेंडमेंट में 92वें संशोधन में मैथिली, संथाली और डोंगरी भाषा को जोड़ा गया था। तो 1967 में जोड़ी गई भाषा जो थी वो सिंधी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहला संविधान चुनाव कब हुआ था? तो एक ही बार संविधान चुनाव हुआ था जो 1946 में हुआ था। 1946 में उसके बाद फिर संविधान बनाया गया जो 1949 तक बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार
कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरे देशों से लिए गए कुछ कुछ विचार थे जो जिसमें अपशिष्ट शक्तियों का जो विचार था वो कनाडा से लिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित वेद है, सबसे पुराना वेद जो है, और इसी में गायत्री मंत्र है। अपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, और ये कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडलों में विभाजित है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।